लोकसभा चुनाव करण सच चुका है। ऐसे में इन दिनों पुलिस प्रशासन की नज़र हर उस संदिग्ध चीज पर है जो कोई जनता में कोई बवाल खड़ा कर सकती है। इतिहास गवाह है कि प्रत्याशी जीतने के लिए किसी भी हद तक कर गुजरने को तैयार हैं। इसी के मद्देनजर रादौर पुलिस ने जब त्रिकोणी चौक पर नाकाबंदी की तो एक पिकअप गाड़ी पर पुलिस को कुछ शक हुआ। जैसे ही जांच की गई तो गाड़ी में से अंग्रेजी शराब की पेटियां और बियर की बोतलों की पेटियां बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत इस मामले में एक्साइज विभाग को सूचना दी और विभाग ने मौके पर पहुंचकर पुलिस के साथ गाड़ी को कब्जे में लिया। जानकारी देते हुए रादौर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़ा गया गाड़ी का चालक उत्तर प्रदेश के नकुड़ का रहने वाला है। शराब कहां से लाई गई और कहां सप्लाई की जानी थी, इसको लेकर कोई जानकारी फिलहाल पुलिस ने नहीं दी है। लोकसभा चुनाव के दौरान उच्च अधिकारी के आदेश के अनुसार सभी आने जाने वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। कल दोपहर बाद सुमेश पाल सब इंस्पेक्टर और उसकी टीम त्रिवेणी चौक रादौर पर नाकाबंदी किए हुए थे। उस दौरान उन्हें सूचना मिली कि लाडवा की तरफ से एक पिकअप जिसमें शराब भरी हुई है आ रही है, जिसको उसकी टीम ने चेक किया तो उसमें 75 पेटी अंग्रेजी शराब है और 55 पेटी बियर बरामद हुई है, जिसके खिलाफ अभियोग नंबर 90 दिनांक 4/4/2024 दर्ज किया गया है और आगे तफ्तीश जारी है। सर, इनके पास कोई भी परमिट वगैरह नहीं। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता की पालना के लिए आम पब्लिक से हमारा अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति आचार संहिता की उल्लंघना ना करे और अवैध कार्य ना करे। पकड़ी गई 130 पेटी शराब की कीमत 4.5 लाख के करीब है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। रादौर से कुलदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।